नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज कुछ बहुत ही मौखिक जानकारी दूंगा, यानी बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है और अच्छी है दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना दोस्तों। वो जानकारी क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए बताऊँगा दोस्तों कि अगर आपने किसी साइट पर या किसी वेबसाइट पर या किसी सर्वर पर दोस्तों, या आपने अमेजोन अकाउंट बना रखा है या फ्लिपकार्ट अकाउंट बना रखा है, या दोस्तों आपने किसी दूसरे फ़ोन पर अपना ईमेल आईडी या पासपोर्ट कोई भी अकाउंट खोला है दोस्तों, और दोस्तों उस कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों कि वो आपका पासपोर्ट सेव कर लेता है, और इसके बाद अगर आप चले जाते हैं तो वो आपके अकाउंट के आसानी से यूज कर सकता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपके अलावा आपका भी कोई पासपोर्ट जानता है या दोस्तों आपका कोई अकाउंट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों कि आप किसी वेबसाइट में जाते हो और जाने के बाद वहाँ पर दोस्तों आप अपना पासपोर्ट एंड सेव कर देते हो वहाँ पर कोई सा भी अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों। इस कंडीशन में मैं आज आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ कहाँ अपना अकाउंट बना रखा है और कहाँ कहाँ दोस्तों आपका जो अकाउंट है कोई और यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे जानेंगे दोस्तों। तो दोस्त देखते रहिए इस वीडियो को फुल कंप्लीट दोस्तों, मैं आपको बारीकी से बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना गूगल पे चले जाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ही सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कैसे पता करें कि दोस्तों हमारा ईमेल आईडी पासपोर्ट एंड अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देना है आपको पासपोर्ट गूगल, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं लिख देता, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं पासपोर्ट गूगल टाइप कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत ही खास ट्रिक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आपके फोन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों आपके अकाउंट के साथ फ्रॉडगिरी हो सकती है और छेड़खानी भी हो सकती है, जिस कारण आपका पैसा या रुपया सारा का सारा डूब जाता है। और इस कंडीशन में आपके पास जैसे मैसेज पर कोई मेल या ईमेल या कोई लिंक आता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ट्रेंडिंग अकाउंट बना लेते हो, और बनाने के बाद अगर पैसा उस पर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा सारा चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आजकल बहुत ही फ्रॉडगिरी चल रही है, तो दोस्तों इस चीज़ की जानकारी रखना जरूरी होता है दोस्तों। तो सिंपल से इस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एंड पासपोर्ट कहीं यूज तो नहीं हो रहा दोस्तों, ये वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही आपने सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद पहली जो वेबसाइट आ रही है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा होगा पासवर्ड .google.com दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस पे आपको टाइप करना है, तो मैं सिंपल से टाइप कर देता हूँ दोस्तों। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में या सिंपल भाषा में दोस्तों आपको बताऊंगा दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो को देखना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पासपोर्ट लगा रखा है दोस्तों, मैं इसको ओपन करूँगा दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर दिखाया जाएगा दोस्तों कि आपका जो ये अकाउंट है, मतलब पासपोर्ट है, ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है और किस किस जगह लॉगिन है, कहाँ कहाँ सेव है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको पासपोर्ट चेक करना है, यानी देखना है कि किस जगह मेरा पासपोर्ट यूज तो नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो चेक पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर से चेक पासपोर्ट पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस पासवर्ड आपको दे देना है अपने ईमेल आईडी का दोस्तों, मैं सिंपल से दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पासपोर्ट देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया, खोल लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको पता कैसे करना है कि मेरा अकाउंट और कहीं यूज तो नहीं हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गूगल पे सर्वर पे ये टिक का सही का निशान लगा है, यानी दोस्तों मेरे जो पासपोर्ट है यहाँ पर गूगल पर बिल्कुल का बिल्कुल सेव है, यानी बिल्कुल सेट है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रियूज दिखा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 5 यूनिक पासपोर्ट जो मेरा है 5 जगह पर अलग अलग यूज हो रहा है, और रियूज मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इसे सेव मैंने नहीं कर रखा क्योंकि इसे मैं अपने ही फ़ोन पर यूज कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर जो नीचे का ऑप्शन आता है दोस्तों, बात ये होती है दोस्तों, यहाँ पर 2 यूजिंग अकाउंट वीक है पासपोर्ट, यानी ये वीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी मेरे जो 2 अकाउंट है दोनों अकाउंट को यूज कर सकता है दोस्तों। तो मैं इसे सिक्योर करूँगा और बहुत ही आसानी से इसे पासपोर्ट को चेंज कर, यानी बदल लूँगा दोस्तों, और सेव कर दूँगा ताकि मेरा कोई अकाउंट यहाँ पर यूज नहीं कर पाए दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं बताऊँगा किस किस जगह और वीक हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इस वेबसाइट पे हो रहा है और दूसरा भी इसी वेबसाइट पे हो रहा है दोस्तों। तो मैं इन वेबसाइट को जानता नहीं हूँ, तो सिंपल से मैं आपको यहाँ से डिलीट ये कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से जो तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, यहीं पर आपको दिखाएगा कि आप दोस्तों कहाँ कहाँ आपका पासपोर्ट मिस यूज हो रहा है, आपका कोई अनादर तो यूज नहीं कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।